अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के लाई है जिसमें मैं आप लोगों को एक पिक्चर एडिट करूँगा और आप लोगों को सीखने का मौका भी दूँगा। और हाँ, प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को स्किप करना। आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गैलरी से एक फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। हाँ, यहाँ हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद नीचे शेयर के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम इस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, स्नैपस्पीड, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और यहां नीचे दूसरे नंबर के फिल्टर पर क्लिक करना है और यहां से डन करना है। उसके बाद यहां टूल्स पर जाना है। टूल्स में यहां ट्यून इमेज मतलब एडजस्टमेंट पर आना है। यहां तो यहां एडजस्टमेंट में हमने ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ानी है और इस तरह नीचे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने एडजस्ट करना है फ़ोटो को, थोड़ा बढ़ानी कम करनी है, सैचुरेशन को थोड़ी कम करनी है। यहाँ पर डन करना है। डन करने के बाद हम फिर से टूल्स पर आते हैं। टूल्स पर आने के बाद हम यहाँ पोर्ट्रेट पर जाना है हमें। पोर्ट्रेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आखिरी से दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ देखो फेस सफ़ेद हो गया, सही हो गया। उसके बाद हम यहाँ डन करते हैं। डन करने के बाद फिर से टूल्स और ये नीचे विगनेट पर आ गए। विगनेट में यहाँ हमने इसको थोड़ी बढ़ानी है और यहाँ से डन करनी है और यहाँ से फ़ोटो को सेव करना है। ये अभी फ़ोटो सेव हो रहा है, ये लो फोटो सेव हो गए। और फिर से अभी फोटोज़ में आना है। फोटोज़ में आने के बाद अब यहाँ फिर शेयर के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ दूसरी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं जिसका नाम पिक्स आर्ट है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, जहाँ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पिक्स आर्ट पर क्लिक करने के बाद या हम अब टूल्स में आते हैं। टूल्स में एडजस्ट की तरफ आते हैं। इसकी एडजस्टमेंट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करनी होगी अभी। तो यहाँ हम इसको कम करना है, इसको भी कम करना है, बढ़ाना है थोड़ा सा, और यहाँ हाईलाइट को भी हमने कम करना है। यहाँ से डन करना है और यहाँ हम फिर टूल की तरफ आते हैं और टूल में यहाँ स्ट्रेच पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ बालों को थोड़े से ऊंची करनी है, मतलब बालों को एडजस्ट करनी है। तो बालों के एडजस्टमेंट ऐसे हो गई और यहाँ पर डन करना है। डन करने के बाद यहाँ हम ब्यूटी पर आते हैं।
यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ हम डिटेल्स पर जाते हैं। डिटेल्स में यहाँ पिक्चर को जूम करके आंखों को ब्रश करना है, कानों को ब्रश करना है और यहाँ इसको ब्रश करने के बाद यहाँ से डन करना है। फिर हम यहाँ डन करने के बाद इफ़ेक्ट्स पर आते हैं। इफ़ेक्ट्स में यहाँ इसको इस ब्राइटनेस पर क्लिक करनी है, ब्राइटनेस नहीं यह सैचुरेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से डन करना है। उसके बाद अगर कोई अपने फ़ोटो के साथ पीएनजी लगाना चाहता है तो यहाँ से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पीएनजी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद हमें यहाँ ब्लेंड पर आना है। ब्लेंड पर इस पीएनजी को इस तरह एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से डन करना है और यहाँ से सेव करना है। तो ये हुई पिक्चर एडिट। अब देखते हैं ये पिक्चर एडिट हो गई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।